तो जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए मैंने जो जो वीडियोस देखी है ना, वो देखने के बाद भैया मेंटल पीस तो जरूरी है, बहुत ज्यादा बल्क में कट्टा भर के। इस इंसान को तो आप लोग जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मत जानो, जरूरत नहीं है, जानो इसको, जरूरी है जानना, ताकि पता चले कि भैंचो ये नहीं बनना। तुम कुछ भी बन जाओ, चाहे कुत्ता बिल्ली टट्टी चींटी कुछ भी बन जाओ, ये नहीं बनना बस तुम। मैं बताता हूँ इंसान कौन है। इस इंसान की एक बीवी थी, ठीक है, उस बीवी की एक दोस्त थी, ये उससे मिला, उसको सेट किया, सेट करके उसके साथ जाके भाग के शादी कर ली, और फिर अपनी पहली बीवी को कॉल करके बोला कि मैंने भाई इसके साथ शादी कर ली। तो सोचो उसकी पहली बीवी ने क्या जवाब दिया होगा। उसकी बीवी ने बड़े ही आक्रोश के साथ कहा कि ठीक है घर पे आ जाओ, भाग दिया। यहाँ पे जो गर्लफ्रेंड है उनके बॉयफ्रेंड अगर गलती से मैसेज सीन ना करे तो उनकी गांड तोड़ देती, तुम तो फिर भी सगी बीवी हो ना सगी। और उससे भी बड़ी बात, दोनों एक साथ प्रेग्नेंट है एक टाइम पे, दोनों बीवियां, और दोनों को कोई दिक्कत भी नहीं है, मिल बांट के रह रहे हैं। पापा रे, अभी वो पति है कि तोलिया जो शेयरिंग में यूज कर रहे हो। तो आओ देखते हैं इनकी कुछ चूचिया दहला देने वाले वीडियोस। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए उसके बाद में कई सारे अच्छे कॉन्ग्रेचुलेशंस के विषय, लेकिन कुछ मैसेजेस और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि मिलियन तो तेरे हुए हैं, हम क्यों खुश हो भाई, पैसा तू कमा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा गोल हमेशा से आप लोगों को हंसाने रहा है, मेरी प्रायोरिटी यही है, इंस्टाग्राम या यूट्यूब ले लो। और इसका जिंदा एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो ये स्क्रीनशॉट्स है मेरे यूट्यूब स्टूडियो के, ठीक है, ये सारे लास्ट वीडियोस है, 8-10 वीडियो होंगे या फिर उससे ज्यादा वीडियो होंगे जो सारा मैंने डिमोनेटाइज कर रखे हैं, मतलब उनसे मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा यूट्यूब से, और लास्ट 8-10 वीडियो से शायद मैंने ब्रांड भी नहीं ली, तो मतलब 1 रुपया भी आ नहीं रहा मेरे पास में। कुछ तो मेरे येलो डॉलर का प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में, तो मैंने खुद से मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है। चाहता तो मैं वीडियो नहीं डालता जब तक मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पैसा चाहिए यार, मैं ना नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे लिए उससे ज्यादा आता है आप लोगों को हंसाना, रेगुलर आपको कंटेंट देना, क्योंकि आप लोग वेट करते हो यार, आप पागल थोड़ी हो। अभी ये वीडियो मैं डालूंगा तो मुझे पता है कि इसका 1 रुपया नहीं बनने वाला मेरे पास, लेकिन फिर भी डाल रहा हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से। तो ये सोचना बंद कर दो कि भाई मैं बहुत कमा रहा हूँ इस चक्कर में मैं डाल रहा हूँ वीडियो, तो ऐसा कुछ नहीं, आपकी खुशी मेरी खुशी, मेरी खुशी आपकी खुशी, और कमाना मुझको पसंद है, ठीक है, हर किसी को पसंद होता है पैसा कमाना, लेकिन मेरा पर्पस ये भी है। तो ब्रांड्स जल्दी से संपर्क करिए ताकि हम अगले वीडियो के पैसों से रशियन ला पाए, इतना सच भी नहीं बोलना था। चलो भाई अब देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, धमाकेदार है, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज हम रिवील करने जा रहे हैं। सरप्राइज? बच्चा क्या बक्से में बंद करके किसी ने गेट के बाहर छोड़ दिया था तो सरप्राइज बोल रहे हो? मैं पैदा कर रहे हो उसको अपने हाथों से, मतलब हाथों से नहीं, बोल तो ऐसा रहा है सरप्राइज, और टाइटल में डाल रखा है खुद ने, कृतिका इज आल्सो प्रेग्नेंट। मेरा चश्मा क्यों गिर गया भाई? तो क्या घंटा सरप्राइज बचा अंदर वीडियो में? अनपढ़ समझ रखा है लोगों को। सरप्राइज के साथ गुड न्यूज भी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है हमारे घर में, और ये गुड न्यूज ना गोलू बहुत पहले दे चुकी है, मेरी शादी के टाइम पे उसने बोल दिया था। गुड न्यूज ये है कि हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट है। ये पत्नी अपने पति के साथ खड़े होके बोल रही है कि ये जो उसके अलावा दूसरी बीवी है वो भी प्रेग्नेंट है, और ये दानव हंस रहा है। सब कुछ इतना चिल कैसे हो सकता है? मैं इंडिया में ही हूँ ना, ये 2022 ही चल रहा है ना। ये तो एक तरह से यही हो गया कि ये औरत अपने पति के साथ खड़ी है और लाखों लोगों के सामने ये बोल रही है कैमरा में कि हेलो गाइस, ये मेरा पति है, इसने दूसरी औरत के साथ सेक्स किया है गाइस, एंड मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, और थैंक यू सो मच गाइस सब आपके सपोर्ट की वजह से। वेरी नाइस ब्रदर, ब्रदर नहीं सॉरी, उसका ब्रदर नहीं लगा सॉरी भाई। इतना साहस लाते कहाँ से हो यार? इतना ओपनली खुशी खुशी बोल रहे हो तुम अपने ही पति के बारे में दूसरी बीवी सेक्स, ये इतना ओपन माइंड कैसे हो रहा है लोगों का? इंडिया और जमैका ने कोलैबोरेशन कर लिया है क्या? ये इंसान जो मजे ले रहा है ना जिंदगी के, डैन बिल्जेरियन, हु डैन बिल्जेरियन? भगवान ने इसकी किस्मत लॉकडाउन के टाइम लिखी है एकदम फुर्सत में। तो आज ये खुशी का दिन है, तो बड़ा दिन है हमारे लिए कि हमने सभी लोगों को रिवील कर दिया। आप लोग भी बहुत हैप्पी होंगे ये न्यूज़ सुन के। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर मैं क्यों हूँ खुश भाई? ये एक जिंदा दानव दो दो बीवियां लेके उन दोनों के साथ बच्चे कर रहा है तो खुश वो होगा भैंचो, मैं क्यों हूँ खुश? मुझे कौन सा तुम लड्डू नारंगी का भोजन करवा रहे हो, मैं क्यों हूँ खुश भाई? ये सब ना सोसाइटी बिगाड़ने के काम है। सोचो इनका खुद का बच्चा जब स्कूल जाएगा तो उसका फ्यूचर कितना ट्रॉमेटिक हो सकता है, और नहीं जवानी की आड़ में फ्यूचर जाए मैं। पर इनकी फिलोसॉफी ऐसी है, इनका ये कहना है कि दो बार भी प्यार हो सकता है, प्यार कितनी ही बार हो सकता है, तो उनसे शादी कर लो। रातों को ये अलग रोए या फिर मेरे भी क्या होता है अट्रैक्शन हो जाता है, आपका लगाव हो जाता है चीजों से, तो आप नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग कमेंट में ज्ञानी भी बनेंगे, ज्ञान देंगे, बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे, गलत किया तुमने कुछ भी, भैया मैंने जो किया वो मेरी समझ है, जो तुम करो वो तुम्हारी समझ है। तो शादी करके इनने मतलब कुछ गलत नहीं किया है। हमारे लौंडे है उनको हर दूसरी लड़की से प्यार होता है, जिसको दिखा दो उससे प्यार, इससे प्यार, इससे प्यार, इससे ही प्यार, इससे ही प्यार है। एक खूबसूरत लड़की पटको पलक झपकते इनको प्यार हो जाता है, और वो भी जैसा ऐसा नहीं, शिद्दत वाला प्यार। ये भैंड के लौंडे लिस्ट बनाते हैं पूरी, 15 लड़की आज ताड़ेंगे, 17 लड़की कल ताड़ेंगे, ये स्टॉक करते हैं रात को इंस्टाग्राम पे 4 बजे तक, डे नाइट ड्यूटी चलती है इनकी, नो रेस्ट नो पेन नो गेन। तो क्या करूं, शादी करवा दूं इनकी उनसे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी लड़कियों की। तो ये फिलोसॉफी
इंडिया में काम नहीं करती है, वरना एक पति की बिल्डिंग भर के पत्नियां होती। तो यहाँ पर ना सब बैठ के मूवी देख रहे हैं और मूवी बहुत अच्छी है। मूवी का नाम है पानीपत, ये पानी में लगाई पानीपत मूवी अच्छी मूवी। अर्जुन कपूर है हीरो। मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आने वाले बच्चे का भविष्य भयंकर अंधकार में जा रहा है। और ये अगले वीडियो का टाइटल पढ़ो, कतई भोरा जाओगे। बच्चे ने बात करना शुरू भी कर दिया। वाह वाह, वेरी गुड। ये नमूने अलग ही साइंटिस्ट बने हुए हैं। क्या नहीं, क्या बात की तुमने, प्रॉपर्टी डीलिंग की नहीं? उसने अंदर से फोन करके बोला कि अरे यार चाय समोसे भिजवाओ यार, अंदर बोर हो रहा हूँ काफी टाइम से यार, भिजवा दो। क्या घटिया सर्विस है यार तुम लोगों की यार। बेटा जिस जगह से तू आएगा ना, वहां पे चाय समोसे नहीं, बस एक ही चीज आती है। ऐसे सो सकते हो बस। तो गाइस ऐसे ही नहीं कहते कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती। नहीं सर, असली योद्धा तो आप हो, जिसने रणभूमि में पूरी रात भर दो दो शत्रुओं के साथ एक साथ युद्ध लड़के जंग में फतेह हासिल की है। तो ये तो रिवॉर्ड है बस आपका, एक्सेप्ट इट, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी रात खून पसीना बहाया आपने भाई, तो ये तो कुछ रातें मेरे साथ और गुजार लो, पर बदनाम ना करियो। कुछ लिरिक्स है, कुछ रातें मेरे साथ और गुजार लो पर बदनाम ना करियो। बदनाम तुम बेटा हो चुके हो, बहुत भयंकर वाले। अब निकल गई ट्रेन हाथ से, ट्रेन तो हाथ से निकलेगी, अब निकल गई ट्रेन स्टेशन से। और रही बात रात गुजारने की, तो वो मैं अभी अलाउड नहीं कर सकता ऐसे टाइम, मतलब प्रेगनेंसी में आई एम नॉट अलाउइंग यू। मैं कौन होता हूँ? इंस्टाग्राम के ऊपर कहते एक मोटा जरा छाया हुआ ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो सारे दिन विशेष तौर पे आया हुआ। पर मुझे तो समझ नहीं आता इतने झंडू लोग हैं इस गोले पे। सपोज अगर कभी मेरे पास फैंस आते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, तो मेरे को बोलते हैं कि भाई भाई वीडियो बना रहा हूँ, एक डायलॉग बोल दो आपका, या ओ एटीट्यूड मेरा डायलॉग ये बोल दो, या तो ये लाइन बोल दो, आप बहुत अच्छा पंच मारते हो, कुछ ही बोलेंगे, मतलब ये करके दिखाओ। इनको जब इनके फैंस मिलते हैं इनको क्या बोलते होंगे, आप दो शादी करके दिखाओ एक बार प्लीज सर, मजा आ जाएगा एकदम, कर दो ना दो शादी। या फिर क्या बोलते क्या है कि आप रात को किसके साथ सोते, ये पूछते क्या करते हैं, क्यों मिलता है फैन, है किस बेस पे फैंस इनके। देखो बच्चे करना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के साथ बच्चे करना अच्छी बात नहीं है। और ये लोग अंधाधुन अपना सब कुछ जो भी चल रहा है घर पे सब कुछ वो व्लॉग में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देते हैं। लोग इतना ओपन हो गए आजकल यूट्यूब पे। मैं देख रहा था थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो यूट्यूब पे कोई आई थी मेरे सजेशन में, एक बंदी बता रही है कि उसने ब्लोजॉब कैसे किया। अरे यार ये कोई बताने की चीज है? पॉर्न यूट्यूब से बैन हो गया तो इन लोगों ने पॉर्न दिखाने की जगह पॉर्न बताना शुरू कर दिया। ऐसे एक और लड़की है रोही राय करके जो इंस्टाग्राम की है, उस बंदी अब वीडियो देखो एक बार, अब वीडियो देखो। हाय बेस्टी, सो आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है जो कि हम हर साल करते हैं, तो आज हम सिर्फ एक मील ही खा सकते हैं जिसमें आप नमक और ऑयल एक बार खा सकते हो, बट आप बीच में मीठा खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा ओट मील बिकॉज मुझे आज बहुत सारा काम करना था। अरे बाप का श्राद्ध है तुम्हारे और तुम ड्राई फ्रूट की दुकान खोल के बैठे हो, ऐसे कौन बताता है यार? हर चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करना जरूरी नहीं है, तुम कुछ चीजें नहीं बताओगे तो तुम्हारी जमीन नहीं छीन ली जाएगी, बस यही है। बाकी देख लो तुम अपना, दो बीवियां चाहिए तो लाइक कर दो, और नहीं चाहिए फिर भी लाइक कर दो चाहिए, ठीक है? मेरे को लाइक अभी कमेंट्स कर देना, हर बंदा जो देख रहा है मैं चाहता हूँ हर बंदा कमेंट करे। एंड सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 40-50% ही लोग हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे, तो कर दो। अब पैसा तो कमा नहीं रहा है गरीब, तो सब्सक्राइब भी कर दो, खुशी मिल जाएगी है मेरे को। बाकी मेरा सेकंड चैनल, थर्ड चैनल और इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाओ सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जो करना है करो, मजा करो, हर जगह अलग कंटेंट है। चलो भाई बाय। हाँ गुप्ता जी, क्या आपकी बीवी की कहीं और सेटिंग है? हाँ तो शादी करवा दो, कोई दिक्कत ना है। अरे करवा दो यार, क्योंकि दो चार पांच कितनी बार हो सकता है प्यार, तो कोई गलत थोड़ी है। मैं खुद चाहता था, आपकी बीवी को तो बताया नहीं मैंने। सुनो तीसरी शादी मेरे साथ डन कर दो, मैं कल परसों के फेरे रख रहा हूँ। कुछ रातें मेरे साथ और गुजार लो।